अगर आप झारखंड राज्य से गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, आपके लिए यहां पर एक बहुत ही अच्छा मौका आया है और इसका इंतजार लगभग सभी स्टूडेंट करते हैं जो भी सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है प्रत्येक साल, वो उसका जो फॉर्म है, अप्लाई फॉर्म है, वो निकल चुका है। तो इसी के बारे में पूरा मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि इसमें आवेदन करने का जो डेट है वो कब से स्टार्ट होगा और इसका अंतिम डेट कब तक है। इसमें आवेदन करने के लिए आपका जो फी है वो कितना लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जाति कैटेगरी के लिए अलग अलग फी है। ओबीसी के लिए अलग है, एसटी एससी के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, और यहाँ पर जो जनरल है उनके लिए अलग है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, साथ में इसका एलिजिबिलिटी भी बताऊंगा, और सारा डिटेल में जो आपको बताऊंगा वो सारा मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल कर दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आपको इसके बारे में सारे डिटेल अच्छे से पता चल जाए। तो चलिए ज्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप गूगल पे आइए और यहाँ पर आप लिखकर सर्च कीजिएगा JSEECEB। ये लिखकर आप जैसे सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पर यह वेबसाइट दिखेगा, और इसी के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इसमें आपका अप्लाई करने के लिए कितना फी लगेगा और भी जो भी इससे जुड़ा हुआ जानकारी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर आप नीचे आइए, खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का ऑनलाइन भी हो जाएगा, तो आपको इसमें क्लिक करना है। क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन फॉर्म बीएड कंबाइंडेड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, भले यहाँ पर 2022 लिखा हुआ है लेकिन यह 2023 के लिए, आप ये भी पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है बीएड कंबाइंडेड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। तो यहाँ पर जो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 10/2/2023, मतलब आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप यह वीडियो को तो 11/2/2023 को देख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को मैं 10/2/2023 को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ गया और इसका जो अप्लाई है वो आज से ही शुरू होने जा रहा है, शुरू हो गया है। तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अप्लाई किस प्रकार से करना है और इसके बारे में डिटेल आप कैसे देख सकते हैं ये जान लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको डिटेल दिखा देता हूँ, उसके बाद अप्लाई करने का तरीका मैं बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ है, एडमिशन नोटिस, हाउ टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेमेंट ऑफ फी, फिर जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये सारा देखने से पहले सबसे पहले हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं, हाउ टू अप्लाई, ये सब तो आप लोग बाद में आपको बता ही दूंगा। तो देखिए ए नंबर पे क्या लिखा हुआ है, कोर्स ड्यूरेशन 2 ईयर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएड। तो देखिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, तो आपका जो है 50% अंक होना चाहिए आपका डिग्री में, जो भी आप ग्रेजुएशन किए हैं उसमें आपका 50% अंक होना चाहिए। और यह इसमें डिपेंड नहीं करता है कि आपका जो मार्क्स है वो कौन सा सब्जेक्ट में कितना है, आपका टोटल मिलाकर 50% होना चाहिए। लेकिन अगर मैथमेटिक्स है तो आपका यहाँ पर 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में सारा डिटेल आप लोग भी पढ़ सकते हैं। फिर इसे देखने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसमें पेमेंट कितना लगेगा, फ़ी कितना लगेगा अप्लाई करने के लिए। तो पेमेंट ऑफ फीस पर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, फीस पेमेंट सेल बी मेड थ्रू पेमेंट, मतलब गेटवे बाय ऑनलाइन मोड ओनली ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी दिया हुआ है वो सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है। तो जनरल के लिए जो फी लगेगा, तो जनरल और EWS के लिए 1000 रुपया लगेगा, BC1 BC2 के लिए यहाँ पर 750 रुपया लगेगा, और जो SC है ST है उन लोगों के लिए, और जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनको तो मात्र 500 रुपया में उसका अप्लाई हो जाएगा। इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जो भी इसमें दिया हुआ है, तो इसमें टोटल जो है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, सभी में एक नंबर होगा, और अगर आप लोग गलत करते हैं तो 0.25 नेगेटिव मार्क्स भी इसमें है, आप देख सकते हैं, 1 मार्क्स अवॉइडेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.25 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो ये जो है वो नंबर भी काटा जाएगा, 0.25 नंबर काटा जाएगा, 4 गलत कीजिएगा तो एक नंबर आप लोगों का कट जाएगा। और लैंग्वेज देखिए, जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर सारा सिलेबस को देख सकते हैं, जो भी है आप ये सब देख लीजिए। और सिलेबस के बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं कि
किस प्रकार से इसमें एग्जाम लिया जाता है, अगर बेस्ट बुक के बारे में जानना चाहते हैं कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक कौन सा होता है, तो उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। जिसका भी जानकारी चाहिए उसका मैं आपको जानकारी दूंगा और सही रूप से जानकारी दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और झारखंड का अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।